Lord. You must recognize its meaning, significance. The Buddha said, the life of mortals in the world is troubled. जो mortals means नश्वर शरीर वाले हम लोग, जो डेथ जिनकी होती है, मनुष्य की जो लाइफ है या जो जीव पैदा होते हैं उनकी लाइफ कैसी है, बहुत परेशानी से भरी हुई है. एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, बहुत दर्द है उस जिंदगी में. फॉर देयर इज नॉट एनी मींस बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग. ऐसा कोई साधन नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो मौत को अवॉइड कर पाए, मौत से बच पाए. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब ओल्ड एज हो जाती है, देयर इज डेथ. उसके बाद आफ्टर ओल्ड एज देयर इज डेथ. ओके, एंड दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. जिंदगी का एक सिद्धांत है कि अगर हम पैदा हुए, इफ वी हैव टेकन बर्थ, वन डे वी आर वी मस्ट डाई. ओके, of such a nature are living being. ऐसे ही जो सजीव लोग होते हैं, प्राणी होते हैं, उनका यही बात होता है. As ripe fruit are early in danger, जो पके हुए फल होते हैं उनका गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. यानी कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग भी पक जाते हैं फल की तरह, और हम लोग भी गिर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द एटर्नल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज, जिंदगी का जो फलसफा यहाँ पे लिखा गया है, जो सच्चाई लिखी है, वो क्या है? लाइफ, फूड, डेस्टिनी और डेथ. डेथ इट्स द करेक्ट आंसर. डेथ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. ओके, ह्यूमन लाइफ हैज बीन कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर किया गया ह्यूमन लाइफ की? यहां देखिए, राय फ्रूट्स, हेटर, डेथ और बिलीफ. दिस इज द करेक्ट आंसर, राय. पक्के फल से तुलना की गई यहां पर. अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्ट यू गुड नो दैट द लाइफ इज कंपेयर्ड विद द राय फ्रूट. ठीक है, पके हुए फल से तुलना की गई. Means old age. Okay, next. Where are the say? Where did he say the given lines in the above extract? कहाँ पर कही है उन्होंने? बनारस में, अलाहाबाद में, बापी में, आगरा में. You are well aware about the answer of this question. What's that? Line 7, Banaras. Because the name of the chapter is Sermon at Banaras. Okay? Good. The life of mortals is, how the life of mortals? Troubled, brief, combined with pain, all of these. Again, troubled, brief, combined with pain. I need to say, its answer is all of these. This is the correct answer of this question. Okay, all of these, if you read the extract out keenly, then you will definitely able to see the answers of the questions. Okay, next. Which word in the extract is the antonyms of prolonged? Antonym of prolonged. Brief, troubled, avoid, early. Which word is the antonym? Means below. Okay? Answer, brief, troubled, avoid, early. Prolonged mean, you know, if you see this extract,
Now it is clearly visible. You understand the extract? All the questions, objective questions related to the extract. Prolonged answer, brief, out of troubled, avoid early. Okay, all the answers are given. You must understand this extract. Again, I can explain it. The Buddha said, the life of mortals in the world is troubled, brief and combined with pain. जिंदगी कैसी है? जो mortals हैं, जो मनुष्य हैं, जो जीवित प्राणी हैं, जीव हैं, परेशानियों से भरी हुई, संक्षिप्त है, छोटी है, and combined with pain, दर्द से भरी हुई. For there is not any means, कोई ऐसा साधन नहीं है, by which those that have been born, जो पैदा हुए हैं, can avoid dying, मौत को avoid कर सके, ऐसा कोई नहीं. After reaching old age, बूढ़े होने के बाद, there is death, मौत हो जाती है. Okay? Of such a nature are living beings. सभी living things का, living being का यही fate होता है, यही नेचर है, लॉ है नेचर का, ये यही उनका तरीका होता है. एज ड्राई फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, पके हुए फल सबसे ज्यादा खतरा होता है गिरने का, तो हम भी पक जाते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, तो सबसे पहले बूढ़े लोगों की डेथ होती है. अनटाइमली भी डेथ हो जाती है, बट एज के हिसाब से सबसे पहले जो बुजुर्ग होते हैं, पके हुए फल होते हैं, वही डेड होते हैं. सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. जो पैदा हुए हैं वो सभी किस खतरे में रहते हैं कि डेथ जरूर उनकी एक न एक दिन होगी. ये सत्य है, दिस इज ट्रूथ. Okay, now my dear students, you are supposed to complete this work, to note it down on your English notebook. After complete your work, you are supposed to send it speak to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay, this is your homework. This is your homework, okay?
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।